नमोदय संगम जय भीम नमः। नमोदय आज सर, संगम नमामि। जय भीम नमोदय समन संघ ने मुझे कंसेप्ट देने के लिए आमंत्रित किया है, आदेश दिया है, इसीलिए मैं संघ का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी जानते, सारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में बाबा साहब के जो तीसरे गुरु थे ज्योतिराव फूले, उनकी आज जन्मतिथि है। ये बड़े धूमधाम से इधर उधर सारी दुनिया में ये जन्म दिवस जा रहा है। तो ज्योतिराव फूले और समन संघ, इसका क्या रिश्ता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमने कल परसों 9 तारीख को मुंबई में भारत की समन संघ की पहली संगीति का आयोजन किया था। हमने देखा वहां पर करीब करीब ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है 170 लोग बाहर से थे, बाहर राज्यों से, और करीब 120 लोग 120 लोग मुंबई से थे, मतलब लोकल लोग थे। तो ऐसे 310 लोग उस संगीति में उपस्थित, उनमें से करीब करीब 160 के ऊपर महिलाएं थी। अब हम देखते हैं कि महिलाओं की समन संघ की पहली संगीति हमने मुंबई में आयोजित की और उसमें 50% से ज्यादा महिलाएं उपस्थित रही। इसका ज्योतिराव फूले से और समन संघ की संस्कृति से, संकृति से क्या संबंध है, क्योंकि ज्योतिराव फूले को कई आधुनिक लेखकों ने, चिंतकों ने कहा है कि ज्योतिराव फूले सही मायने में आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता है। तो वो एक्सप्लेनेशन दे फूले को राष्ट्रपिता कहा है भारत का। तो कहते हैं कि जैसे बुद्ध ने, जो बुद्ध से पहले समन संघ था, बुद्ध के बाद बुद्ध ने समन संघ को बहुत फाइन ट्यून किया, उनमें विनय के नियम डाल दिए, और बुद्ध उस जमाने में जो भी विनय जरूरी होता था, जो जरूरी होकर जिसका पालन करना अनिवार्य होता था, उसमें वो सुधार करते थे और वो विनय लागू करते थे। ऐसे बुद्ध ने इस सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की 2500 साल पहले, और उसके ऊपर अगर भारत का सही राष्ट्रपिता या राष्ट्र निर्माता पुराने समय का, तो वो सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक ने क्या किया कि तथागत बुद्ध का जो धम्म था, वो संघ था, उसको पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली और इंटेलेक्चुअली इस्टेब्लिश करने की कोशिश की प्राचीन भारत में। उसको नाम जम्बूद्वीप दिया, और उनकी जो प्रशासन की जो भाषा थी वो धम्म लिपि थी, पाली थी। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भले ही आज जैसे पेपर नहीं थे, क्योंकि पेपर की 18वीं शताब्दी में लग गई, तो उससे पहले जितने भी राज्य के कानून होते थे, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम का, इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है, सिर्फ 13 पन्नों का संविधान है वो, लेकिन वो अलिखित है और वो सब याद रखते हैं कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है। लेकिन सम्राट अशोक का जो संविधान था, वो शिला लेखों में दिखाई देता है। सम्राट अशोक का पहला ही शिला लेख हम देखते हैं, तो उसके ऊपर वो लिखते हैं कि यम धम्म लिपि, मैं इस धम्म लिपि में मेरी शासन की आज्ञाओं का पालन करने के लिए, खुद पालन करने के लिए और प्रशासन के लिए मैं ये मेरा शासन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, और इनको पत्थरों में उन्होंने फेर दिया। शिलालेखों को रॉक एडिक्ट्स कहते हैं, उसको पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ संविधान कहेंगे हम। उसके बाद स्तंभ लेख है, गुफाओं के लेख है, ताम्रपत्र है, और कई सारे आदेश जो है सम्राट अशोक के जमाने में इस्टेब्लिश हुए। और सम्राट अशोक का जो जम्बूद्वीप उस दिन का, उस वक्त का था, उसको महाभारत भी कहा जाता था। तो महाभारत इस्टेब्लिशमेंट सम्राट अशोक ने किया, इसीलिए प्राचीन भारत का जो सही मायने में राष्ट्रपिता या नेशन बिल्डर अगर है, तो वो सम्राट अशोक है। वही काम आधुनिक भारत में अगर हम देखते हैं, तो ये तथागत बुद्ध का जो प्रतित्व समुत्पाद है, उसमें से जो भव चक्र है, उस भव चक्र के सिद्धांत की शुरुआत ही तथागत बुद्ध ने विद्या के अविद्या से की है। वो कहते हैं कि अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया षडायतन, षडायतन पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तना, तना पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव,
होपच्या जाति जरा मरण एवमेतस्स केवलस्स दुख खंदस्स संभवात्। बुद्ध कहते हैं कि हमारी अधोगति का दुख का कारण है अविद्या यानी अज्ञान। अज्ञान होने की वजह से हमें गलत संस्कार हो जाते हैं हमारे, और हमको तृष्णा में वो संस्कार डुबोए रखते हैं, और तृष्णा हमको बार बार प्रवर्तित करती है, बार बार सिखाती रहती है कि मैं कितना बुरा काम करता रहूं। तो अपने मन को अस्थिर रखने का काम तृष्णा करती है, तो उसको मिटाने का काम कैसे करना होगा। तो बुद्ध ने विद्या की थ्योरी दी, तो कहा अविद्या पच्या संकारा, उसको निपटाना कैसे है, तो अविद्या निरोधो संकारा। तो फिर वो 12 कड़ी वाला जो दुख से मुक्त होने का जो सिद्धांत है, वो अविद्या से मुक्त होने का सिद्धांत तथागत बुद्ध ने बताया। उसी सिद्धांत को लागू करते हुए सम्राट अशोक का भारत इस्टेब्लिश हुआ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था और सबसे मानवतावादी साम्राज्य था, ह्यूमन ग्राउंड पर, और बुद्ध के धम्म के शिक्षाओं के ऊपर आधारित उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी था। आयुक्त नाम का जो पद हम देखते हैं, वो आयुक्ता जो पद है, जो अभी मंडलाधिकारी जिसको हम कहेंगे, तो आयुक्त का पद ही सम्राट अशोक की देन है। उन्होंने बहुत सारे पद निर्माण किए, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन इस्टेब्लिश किया, और जो व्यापारी हुआ करते थे, जो इजिप्ट तक जाया करते थे, इधर साउथ में श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, और इधर म्यांमार से लेके चाइना तक, मंगोलिया तक, और रशिया की बॉर्डर तक उन्होंने अपने मैसेंजर को भेजा, और व्यापारी भी जाते थे उन व्यापारियों के साथ, वो भिक्कुओं को भी भेजते थे। और वहां पर जाने के बाद जहां जहां भिक्कू इस्टेब्लिश हो जाते थे, वहां पर यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश हुई थी, क्योंकि पहले संगाराम थे, अशोकाराम, संगाराम, घोषिताराम, ये जो आराम थे, जो विहार हुआ करते थे, उन विहारों में जैसे जैसे शिक्षा का और विद्या का प्रचार प्रसार होता गया, बुद्ध की शिक्षा को इस्टेब्लिश किया गया, तो उस विहारों का रूपांतरण यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में होता गया। और यूनिवर्सिटी में बुद्ध की शिक्षा जब पढ़ने लगी, उसके ऊपर रिसर्च होने लगा, तो भारत का जीडीपी भी बढ़ा, जीडीपी 2% कहते हैं। सारी बातें को अगर देखते लोग, तो सम्राट अशोक ने सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल रेवोल्यूशन प्राचीन भारत में इस्टेब्लिश की बुद्ध की विचारधाराओं के ऊपर, और बुद्ध ने जो बताए हुए संघ के ऊपर इस्टेब्लिश होकर। इसी आइडिया को सम्राट अशोक के बाद ज्योतिराव फूले ने इस्टेब्लिश कैसे कहा, क्योंकि बाबा साहब ने जो हुवेर सिद्धराज नाम की जो किताब ली, वो किताब ज्योतिराव फूले को समर्पित की है। उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि मैंने ज्योतिराव फूले को ये जो मेरा ग्रंथ है, ये क्यों मैंने समर्पित किया। वो लिखते हैं कि ज्योतिराव फूले एक ऐसा इंसान है कि जिसने मानवता को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और वो ऐसे इंसान थे जो कि जब भी कोई चीज बनती, जब भी कोई खोज होती, तो उसको जल्दी अपना लेते। जैसे कि हम देख 1813 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, तो पीट्स इंडिया एक्ट का कानून था, और उसमें से एजुकेशन एक्ट लागू कर दिया गया 1813 में, और उसमें लिखा गया कि ये अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन से लिए हमको क्लार्क लोग चाहिए ऑफिस चलाने, क्योंकि अंग्रेज तो उतने संख्या में थे नहीं, और भारतीय लोगों को अंग्रेजी आती नहीं थी, तो ऐसे में अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ के लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। तो एक कमिटी अपॉइंट की गई, और उस कमिटी को बोला गया कि अपनी रिपोर्ट सादर कर, और के आधार पर शिक्षा की अंग्रेजों ने सोचा। 1813 में जो जो कमिटी स्टैब्लिश की गई है अंग्रेज अधिकारी के, इसमें तो उनके उनको सजेशन सजेशन देने वाले भारत में सारे ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ने उनको सजेशन दिया कि देखो, ये शिक्षा जो है जी में आप देना चाहते हो, ये सब ब्राह्मणों को देनी चाहिए। और उन्होंने कि जैसे ब्राह्मणों को शिक्षा मिली, वो समाज को, शूद्रों को अच्छी तरह देंगे, और ऐसे चलते भारत में अंग्रेजों का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। उनका हेतु ऐसा था कि अगर बहुजन समाज को, शूद्रों को और अछूतों को अगर अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए, तो हमारी सारी पोल खोल दी जाएगी,
डिमांड करेंगे अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं में भी शिक्षा देने की। तो 1813 की जो पॉलिसी बनी वो पॉलिसी में अंग्रेजों को इन्फॉर्मेशन देने की वजह से उन्होंने ये कह दिया कि पहले उच्च वर्णियों को शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन ये 1823 तक की बात चली और लॉर्ड मैकाले को फिर एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए फिर उस कमिटी का चेयरमैन बनाया गया। तब तक एक बात हो चुकी थी, 1818 में 500 महार सैनिकों ने पेशवाओं का शासन खत्म कर दिया था। हम सभी जानते हैं कि 500 महार जो सैनिक थे असल में उसमें महार 267 ही थे और 11 कास्ट के, उसमें मुस्लिम भी थे, बहुजन समाज की अलग अलग जातियों के लोग भी थे। वो लोग 500 लोगों में थे, उन 500 लोगों ने 28,000 जो पेशवा है उन पेशवाओं की 12,000 पेशवाओं की कत्ल कर डाली और पेशवा भी भाग गया और बचे हुए जो कुछ 16-17 हजार लोग थे वो डर से भाग गए। 500 लोगों के जो किलिंग इंस्टिंक्ट होती है, वो साइंस कहता है कि इंसान को मरने का, अगर किसी के ऊपर अटैक हो रहा है इंसान के ऊपर तो दूसरों को मार करो मारने के लिए जीवित रहना चाहता। तो ऐसे में 500 लोगों ने हम मरेंगे तो दूसरों को मार कर मरेंगे, इस जीत से 1818 का जो युद्ध खेला उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि पेशवाई खत्म हो गई और अंग्रेजों को राहत मिल गई शासन की। अंग्रेजों जैसे 1873 का जो पीट्स इंडिया एक्ट था और हर 20 साल में वो एक्ट फिर से रिवाइज होता था, तो उसके लिए अंग्रेजों को जो यहाँ के ब्राह्मण लोग थे वो कहते थे कि या तो वेदों की शिक्षा दे दो या फिर हमारी मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है वो लिख दो। तो उसमें से मैकाले का जो एजुकेशन पॉलिसी का जो बोर्ड था उसके सामने कुछ बहुजन लोग थे जो अच्छे खासे लोग, रईस लोग थे उसमें से, उन्होंने भी सजेशन देना शुरू किया और अंग्रेजों ने फिर पेशवाई खत्म होने के बाद ब्राह्मणों की सुनी नहीं और उसके बाद एजुकेशन की पॉलिसी बन गई। वहां पे बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हो गई 1823 से लेकर 1827 में। मुंबई में, पूना में और कई जगह पर अंग्रेजों ने अपने मिलिट्री में स्कूल खोले। उसका ऐसा जब ज्योतिराव फूले 1843 में 1843 में जब अहमदनगर में अपने फूल के व्यवसाय संदर्भ में गोवंडे नाम के मित्र के साथ जाते हैं तो देखते हैं कि अहमदनगर के जो वहां पर चर्च बना हुआ तो चर्च में फ्रेजर नाम की एक अंग्रेजी एक अमेरिकन लेडी महिलाओं को पढ़ा रही थी, महिलाओं को पाठ पढ़ा रही थी। तो ये दोनों दोस्तों ने देखा कि महिलाओं को भी पता है हमारे धर्म तो मंजूरी नहीं है, जब आदमियों को, अछूतों को या छूद्रों को ही शिक्षा देने का अधिकार नहीं तो महिलाओं को कैसे पढ़ा रहे। तो उन्होंने बाहर से देखा कि ये संभव है लगा और उन दोनों दोस्तों ने बहुत सोचना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने ठान लिया कि किसी भी हालत में हम लोग हमारे अछूत या शूद्र महिलाओं को हम सिखाएंगे। तो शिक्षा देनी कैसे है, तो ज्योतिराव फुले सोचते हैं कि कैसी शिक्षा देनी चाहिए। तो फिर वो फ्रेजर मैडम किया जो ज्योतिराव सावित्रीबाई फुले और एक गोवंडी की पत्नी, गोवंडी जो उनके फ्रेंड थे वो दोनों की पत्नियों को एक साल के लिए उस चर्च शिक्षा ले गया। ऐसे उनकी बेसिक पढ़ाई बाकी की शिक्षा अपने पत्नी को खुद दी, उसमें साथ भी थी अपने दोस्त की बहन। तो करते उछलते उन्होंने पहली नींव रखी इस देश को राष्ट्र बना। बाबा साहब अपने किताब में लिखते बोले भले ही 8वीं कक्षा पढ़े हुए हो लेकिन मैं उनको गुरु इसलिए मानता हूँ क्योंकि में इतनी ताकत है, इतनी क्रांतिकारी सोच है उनकी, विचारों से मुझे कहीं बीज मिले हैं। आधुनिक भारत का जो पॉलिसी का जो ड्राफ्ट बाबा साहब ने बनाया उसका जो विचार है ज्योतिराव फूले विचारों से उसको आगे बढ़ाया, उसको मॉडिफाइड, उसको एक्ट में रूपांतरित किया। तो बाबा साहब कहते कि जो बुद्ध कहा अविद्या पच्या संकरा वही ज्योतिराव गई विद्या गई। तो वो कहते कि मती गई नीति गई वित्त गया और शूद्र खत्म हो गए, शूद्र नेस्त नाबूत हो गए। तो इसको इस करने के लिए ये ली कहा से
तो आज के भी ब्राह्मण लेखकों ने ज्योतिबा के चरित्र के ऊपर जो लिखा है उसमें बहुत सारी झूठे और मनगढ़ंत बातें लिख डाली, लेकिन एक अंबेडकराइट लेखक है बबन लवात्रे, उन्होंने सही रिसर्च करते हुए खोज निकाली और उन्होंने पाया कि ज्योतिराव फूले के लिटरेचर में तथागत बुद्ध का 14 बार नाम आया है। और ज्योतिराव फूले संघ के बारे में भी कहते हैं, ज्योतिराव फूले ये भी कहते हैं कि तथागत बुद्ध ने जो शिक्षा दी अविद्या की, अविद्या तोड़कर विद्या को कैसे सिखाया जाए, ये जब सिखाया तो वो सिखाने के बाद लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोग संघ में आते हैं। वो संघ शब्द भले ही ज्योतिराव ने नहीं कहा, लेकिन कहा कि शिक्षित होने से, अविद्या खत्म होने से लोग इकट्ठा होते हैं और लोग इकट्ठा होने से ही क्रांति होती है। ये विचार, बुद्ध का विचार ज्योतिराव फूले ने पकड़ा और उसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि ज्योतिराव फूले इस आधुनिक भारत का सही मायने में राष्ट्रपिता है। तो राष्ट्रपिता कैसे है कि जो कोई धर्म सिखाता है वो राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, जो इंसानों के बीच में विचारों के बीच बो देता है वही राष्ट्रपिता हो सकता है। तो आधुनिक भारत का सही मायने में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले है। और भारत का, आधुनिक भारत का राष्ट्र निर्माता जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में रूल आया गया और ह्यूमैनिटी का, इक्वालिटी का, फ्रैटर्निटी का, सोशल जस्टिस का, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो शासन यहाँ पर 1950 लागू हुआ, रूल ऑफ लॉ जो लागू हुआ, उसका बेस ही शिक्षा है। और वो शिक्षा की नीति के बीच ज्योतिराव फूले ने वो दिए थे, इसलिए जो आधुनिक भारत के को राष्ट्रपिता है। अब उन्होंने और क्या क्या किया, ज्योतिराव फूले ने शिक्षा देने का ही काम नहीं किया, ज्योतिराव फूले ने न्यूज़पेपर भी शुरू किए, ज्योतिराव फूले ने ग्रंथ भी लिखे, ज्योतिराव फूले का सामाजिक सुधार का काम, अछूतों के लिए अपना जो पानी का हौद था वो खुला कर दिया, पानी बांटना शुरू कर दिया, जो पुजारी लोग हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे, वो मंदिरों में जो विधवा महिलाओं को और खासकर ब्राह्मण समाज की विधवा महिलाओं का शोषण करते थे, जो कि सती जाति थी। सती महिला जो अपने पति के मरने के बाद वो चीता पे चढ़ती थी, उसमें सबसे ज्यादा महिला ब्राह्मण समाज की थी, बहुजनों की बहुत कम थी, बहुत ही कम थी, ना के बराबर थी, ऐसा इतिहास में लिखा है। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज का जो इतिहास है, जो कल्चर है, बुद्ध धम्म के ऊपर इस्टेब्लिश हुआ था। बुद्ध धम्म ने महिलाओं को इक्वालिटी की स्वतंत्रता जो थी वो दी थी, इसीलिए उनकी संस्कृति ऐसी थी, महिलाओं को इक्वालिटी में वैल्यू दी जाती थी। इसीलिए ज्योतिराव फूले जो ब्राह्मण खासकर महिला हुआ करती थी, उनके जो अनाथ और अनैतिक बच्चे पैदा हुए थे उनके लिए वो अपनी अपनी शाला खोल दी, अपना एक हॉस्पिटल खोल दिया, शुश्रूषा गृह, साथ साथ सावित्रीबाई महिलाओं ने उसके बाद जो फूले ने गुलामगिरी नाम का ग्रंथ लिखा कि आके निग्रो लोगों को वो समर्पित कर दिया। तो ज्योतिराव फूले के बारे में बहुत सारे ब्राह्मण लेखकों ने, सिर्फ लेखक कहा गया कि उनके ऊपर सिर्फ थॉमस पेन विचारों का प्रभाव था। थॉमस पेन तो एक अंग्रेज ऐसा अधिकारी था जो कि अंग्रेजों का क्रिश्चियन धर्म प्रचारित और प्रसारित करने की बात कर, वो लिखते हैं कि ज्योतिबा फूले के ऊपर केवल इनका ही विचारों का प्रभाव नहीं था, बल्कि थॉमस पेन के साथ डब्ल्यू एस प्रेस्कॉट, मैक्स म्यूलर, कैप्टन जेम्स मीड, लिंग्रैंड जेकब विल सन्स, ऐसे लोग का जो पाश्चात्य लोग थे, और मार्टिन लूथर किंग और शिवाजी महाराज और वॉशिंगटन, इन लोगों का उनके ऊपर बहुत प्रभाव था और वो अंग्रेजी में लिख। तो ये गुलामगिरी, इसीलिए उन्होंने जो अमेरिका के जो निग्रो लोग थे, मार्टिन लूथर किंग ने जो आंदोलन किया, एन शब्द को कैपिटल लिखने के लिए भी उनको आंदोलन, लेकिन बहुजनों के लिए ज्योतिराव फूले ने सामाजिक सुधार के लिए गिरी जैसा ग्रंथ लिखा। जो भी स्लेवरी ग्रंथ पढ़ता है वो ज्योतिराव फूले की विद्वत्ता के बारे में, उनकी महानता के बारे में जान सकता है, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारा माइंड का ऊपर वाला हिस्सा नहीं हो जाता, और जब तक हमारा ऊपर हिस्सा अमृत नहीं, हम पत्थर के ऊपर उठाते हैं,
मूर्तियां उठाते, हम जुलूस में जाते और दूसरों की गुलामी करते रहते। तो जो गुलामगिरी में ऐसा ही कहते हैं आपको शिक्षित होना होगा, और उसमें बुद्ध का भी उल्लेख करते हैं और ब्राह्मणों ने कैसे हमको मनुवाद के एडमिनिस्ट्रेशन में और गरीबी में कैसे ढकेला दिया गया, बात वो अंग्रेजों के सामने बार बार करते। उसके बाद उन्होंने पीजेंट्स हंटर कोड़ा नाम की एक बहुत रेवोल्यूशनरी किताब लिखी, सार्वजनिक सत्य धर्म किताब। सार्वजनिक सत्य धर्म में वो कहते हैं जो ब्राह्मणों का जो मनुवाद के ऊपर आधारित उसको मैं नहीं मानूंगा, उसके बदले में मैं सार्वजनिक सत्य 1873-74 के करीब सार्वजनिक सत्य धर्म इस्टेब्लिश किया और उसके ऊपर किताब भी लिखी। और जाकर एक किताब वो लिखते हैं कि जो ईश्वर है इन सारों का वो खंडन करते हैं। तो एक किताब में वो एक ऐसी नोटिस भेजते हैं भगवान को, ईश्वर को, ईश्वर को नोटिस भेजते हैं, उसमें लिखते हैं कि है भगवान या ईश्वर जो कि तू हिंदू धर्म में है, वो गरीबों के कल्याण की बात तू करता है, मैं तुझे इस नोटिस से एक महीने के अंदर अगर तूने मेरे खत का जवाब नहीं दिया तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि इस दुनिया में ईश्वर नहीं है, ये फालतू की ब्राह्मणों की पेट भरने की है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो खत लिखते अंग्रेजी में, नोटिस लिखते और उसकी कॉपी अंग्रेजों को भी दे देते। तो अंग्रेज चकित हो जाते हैं कि ये इंसान कैसा इंसान है, समाज को दुरुस्त करने के, लोगों की मन प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपना है। 1882 में जो हंटर था, उस हंटर कमीशन के सामने किसानों के लिए अपनी साक्ष्य रखी, उन्होंने कहा कि किसानों का इलाज, जो किसान को खेती की शिक्षा दी जाए, उनके लिए खेती की शिक्षा आधुनिक तरीके से कैसे की जाए, उसके लिए मैन्यूर दिए जाए, आधुनिक तरीके के बीज दिए जाए और उसका सिंचन, इसीलिए अंग्रेजों को हंटर कमीशन में उन्होंने मेमोरेंडम दिया उस वक्त। लेकिन धर्म का पगड़ा इतना बड़ा था तो उनको लोगों के, भारत के हो रहा था, और उन्होंने इतना ही काम नहीं किया, ज्योतिराव फूले एक इकोनॉमिस्ट भी थे, कैसे थे, तो उन्होंने किताब लिखी उसके ऊपर भारत की जो अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। और ज्योतिबा फूले 1876 से लेके तो 1882 तक पूना के कमिश्नर भी थे और वो कॉन्ट्रैक्टर भी थे, पूना कॉन्ट्रैक्टी जो पूना उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। तो वो कंपनी इस्टेब्लिश करने के बाद वो पूना का जो एरवाड़ा का जो ब्रिज है, वो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट ज्योतिराव फूले को मिला। हम कातरज घाट देखते, पूना से जब हम कोल्हापुर सोलापुर की तरफ जाते हैं तो बीच रास्ते में कातरज घाट है, वो टनेल है जो पत्थर पहाड़ को खोद खोद कर अंदर से रोड बनाया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट ज्योतिराव फूले को था और ज्योतिराव फूले ने वो टनेल भी बनाई और वहां पर करीब करीब 3,000 मजदूर काम करते थे। ज्योतिराव फूले वीकली उन लोगों का, सारे मजदूरों का पेमेंट करते थे और पेमेंट करने के बाद उनको मुफ्त में भोजन भी देते थे और उनके साथ बैठकर करते थे। और वो लोगों प्लेट में से उठाते थे। सुधार का आंदोलन भी ज्योतिराव फूले ने चलाया, केवल वो शिक्षा के क्षेत्र में ही अपनी प्रगति करने की वो सोच नहीं रखते थे, वो सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल रेवोल्यूशन की बात भी ज्योतिराव फूले कहते थे। इसीलिए आधुनिक दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा मोस्ट जीनियस कोलंबियन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसा इंसान एक 8वीं पढ़ी कक्षा तक पढ़े हुए इंसान को कैसे गुरु मान सकता है। तो उनमें जो बीज थे वो क्रांति के बीज थे, इसीलिए वो आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता है, ऐसा लेखक कहते हैं बबन लवात्रे जी। और ये मायने में उन्होंने सिद्ध भी किया है, उन्होंने और अपनी पत्नी के साथ महिलाओं की सुधार के भी बहुत सारे आंदोलन चलाए। नाई लोग जो है वो महिलाओं को जब वो सती जाने का मौका आता था तो उस वक्त उनके बाल काटते थे, जो महिला अपने पति के साथ जाती थी उसके बाल कटवाकर उसको सफेद कपड़े पहनाकर उसको बेघर कर दिया जाता था और उसका शोषण पुरोहित लोग करते थे। ऐसे लोगों के लिए नाई का काम कटाने का काम तो नाई करेगा, तो नाई का उन्होंने स्ट्राइक किया, नाई लोगों को इकट्ठा कर दिया और उनको बोला कि ये ब्राह्मण लोग आपको आपके ऊपर प्रेशर लाते हैं और महिलाओं को जो अनजान महिलाएं होती जिनका कोई नहीं होता उनके बाल कटवाते, आप निकालो स्ट्राइक करो मेरे कहने पर और
को उनकी हजामत नहीं करेंगे। तो पूना के सारे जो नाई लोगों ने हजामत नहीं करने के लिए आंदोलन छेड़ा, इसका परिणाम ये हुआ कि ज्योतिराव फूले का आंदोलन हुआ और खासकर उच्च वर्णीय महिला ने अपनी राहत की सांस ली। और जब एक मौका आया, न्यायमूर्ति रानड़े जो कि उनके कंपेनियन थे, वो न्यायमूर्ति थे, उनकी पत्नी मर गई, उनकी उम्र 32 साल की थी और उनकी 16-17 साल की पत्नी का मृत्यु हो गया। तो उस वक्त ज्योतिराव फूले ने कहा कि आप तो न्यायाधीश हो और आप तो बड़ी बात करते हो, तो आप क्यों ना ऐसा करते हो कि जो विधवा की ही करो ब्राह्मणों की, लेकिन विधवा महिला के साथ विवाह करो। तो समाज खुद को समाज सुधारक कहने वाले न्यायमूर्ति रानड़े की हिम्मत नहीं हुई, उन्होंने कहा कि मुझे जाति से निष्कासित कर दिया जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं नहीं कर सकता। तो ज्योतिबा फूले ने उनको सीधे मुंह पर बोल दिया, फिर समाज सुधारक का सुधार करने का नाटक है, बंद कर दो। ज्योतिराव फूले जो शिवाजी महाराज की उन्होंने जयंती शुरू की थी 1884 में, ये इसीलिए की थी कि शिवाजी महाराज उनके आदर्श थे, वो बहुजनों के राजा थे, उनके राज्य में 18 पकड़ जातियों के सैनिक हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में मुस्लिम भी थे और बहुत सारे बहुजन समाज के लोग थे। ऐसा है, शिवाजी महाराज बहुजनों का राजा था, इसीलिए उनके प्यारे थे, उनके ऊपर उन्होंने एक पोवाड़ा भी लिखा और उनकी समाधि रायगढ़ में जाकर खुद साफ कर दी और पूजा कर दी। और उसके लिए जो शिवाजी महाराज का असली रूप सामने आने के लिए शिवाजी महाराज की जयंती उन्होंने शुरू कर दी। इसका बदला काउंटर रेवोल्यूशन के रूप में जो तिलक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, तो 1894 में पहला पूना का दंगा हो गया और उस दंगे का बेनिफिट उठाकर वहां पर गणपति बिठाने का काम शुरू किया उस दंगे के बाद। तो जो पोलराइजेशन जो होता है धार्मिक, वो धर्मांध लोग जब करते हैं उसको पहचानने की जो ताकत होती है बुद्धि की, वो ज्योतिबा से लोगों में होती है, इसीलिए वो जानते थे कि आगे चल के क्या होने वाला है। और उन्होंने ऐसे विद्या के और ज्ञान के बीज बोए, वो इकोनॉमिस्ट भी थे, वो कॉन्ट्रैक्टर भी थे। मुंबई का जो CST स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो स्टेशन है, उसका टेंडर ज्योतिबा फूले को था, उन्होंने बनाया। टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग उसी के सामने है, करीब करीब 150 साल पुरानी है। तो 1876 में उसका कॉन्ट्रैक्ट ज्योतिबा फूले को मिला था, सब कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो जो हॉस्पिटल है मुंबई के 2-3 हॉस्पिटल, पूना का हॉस्पिटल, ऐसे कई सारे काम जो ऐतिहासिक काम ज्योतिबा फूले ने कहे। जब वहां पर एक डैम बन गया था, अंग्रेजों ने बनाया था, तो उसके कैनाल बनाने का टेंडर भी ज्योतिबा फूले को मिला। लेकिन कैनाल बनाने के बाद भी हिंदू लोग जो कि खासकर ओबीसी लोग और जो कुनबी लोग थे, जो खेतीहर लोग थे, वो लोग सिंचाई से खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मणों में लिखा था कि कृत्रिम तरीके से आप पानी दोगे फसल को तो उस फसल खाकर आपको विष पैदा होगा और आप मर जाओगे, ऐसी धर्म की शिक्षा थी। तो ज्योतिराव फूले ने उस कैनाल को बनाने के बाद वहां पर करीब 10-15 एकड़ जमीन खरीदी और उसकी सिंचाई वो खुद करने लगे, खेती का व्यवसाय शुरू किया। और उनका देखकर फिर बहुजन समाज के जितने भी किसान थे, उन्होंने फिर अपने खेतियों में इरिगेशन यानी सिंचाई का काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे वो कर्ता व्यक्ता जो कार्यकर्ता थे, हर चीज वो आपे शुरू करते थे। तो ये इतनी सारी बातें करने वाला इंसान इन लोगों को आज तक ओबीसी लोगों को नहीं समझ में आया। बाबा साहब 1954 में कहते हैं कि ज्योतिराव फूले का सच्चा और सही अकेला शिष्य मैं ही हूँ, क्योंकि ज्योतिबा फूले ने जो शिक्षा के बीज बोए, जो सामाजिक क्रांति के काम कर दिए और आर्थिक तरीके से लोगों को और किसानों को खड़ा करने की कोशिश की, उन विचारों को लेकर मैं जीने वाला अकेला उनका शिष्य हूँ। वही बातें मैंने कानून बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी गई है, इसीलिए वो मेरे सही मायने में गुरु होते हैं। ऐसे गुरु की जो जन्म तिथि आज है, तो मैंने कहा कि बुद्ध के विचारों को, अविद्या के विचारों को विद्या में कैसे कन्वर्ट करना और समाज को कैसे उनको चेताना मानसिक तरीके से और अपने मन को कैसे शिक्षित करना, ये शिक्षा ज्योतिराव फूले बहुजन समाज को देते थे। लेकिन उस वक्त का समाज काफी जागरूक हो चुका था। बाद में जाके ज्योतिराव फूले के जाने के बाद और खासकर 1922 में जब छत्रपति शाहू महाराज बसे, उसके बाद
जो ओबीसी लोग थे, खासकर मराठा लोग थे, माली लोग थे, तेली लोग थे, इन लोगों ने बाबा साहब के आंदोलन में, बाबा साहब अछूत होने की वजह से उनमें आने से कुछ कतरा कुछ अच्छा नहीं समझा, इसीलिए बाबा साहब के साथ वो संख्या में जुड़े नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि जो ओबीसी समाज के लोग थे वो बाबा साहब के आंदोलन में जुड़ने के बजाय वो कांग्रेस में चले गए, और बाबा साहब ने तो कांग्रेस को कहा कि जलता हुआ घर है। तो ऐसे में जो बहुजन समाज को बहुत सुनहरा मौका ज्योतिराव फूले और छत्रपति शाहू महाराज के आंदोलन के बाद, जो कि उनका जो क्रांतिकारी आंदोलन उन्होंने चलाया था, वो अगर बाबा साहब के साथ अगर आ जाते तो पता है कि 1956 में ओबीसी लोग बाबा साहब के धम्म दीक्षा के आंदोलन में उस वक्त शामिल हो जाते थे। उसमें 5-6 ब्राह्मणों ने तो धम्म दीक्षा ली, जिनकी पूरी आइडियोलॉजी क्लियर हो गई थी, लेकिन ओबीसी समाज के लोग बाबा साहब के साथ नहीं आए, इसीलिए 50 पीछे रह गए। जो बात 1906 ओबीसी को मिलने वो बात अछूतों को और खासकर शूद्रों को 1914 के बाद मिलनी, 2014 के बाद, 2004 के बाद, 2004 में महाराष्ट्र में और भारत सरकार ने महिलाओं को इक्वालिटी का राइट देने का अधिकार भी दिया और जो रिजर्वेशन लागू किया गया। तो ये सारी बातें हैं, बाबा साहब अंबेडकर आपको 1951 के लिए तैयार थे, लेकिन ओबीसी की मानसिकता इतनी तैयार नहीं थी। आज भी ओबीसी समाज उतनी राय से ज्योति के बारे में और बाबा बारे में नहीं जानता, वो वही धर्मांध लोगों की, काउंटर रेवोल्यूशन वालों की चपेट में आ जाता है, अपने हाथ में झंडा लेता है, सिर पर वो पत्थरों के भगवान को लेके घूम और अपने दिमाग को खोखला करके, ये बात समन संघ ने आज पहचानी है। इसीलिए समन संघ आइडिया को की और पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन को ले लिया है। ज्योतिराव फूले को बुद्ध के धम्म का समन संघी माना है, क्योंकि वैसे तो जन्म सारे SC ST ओबीसी संघी है, लेकिन जिसके दिमाग में बत्ती जल गई वही अच्छा सही मायने में समन संघी हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बाबा साहब के धम्म दीक्षा के आंदोलन के बाद भी हमने भी गलत डायरेक्शन ली, हमने इतने सारे संगठन इस्टेब्लिश किए। बाबा साहब ने संघ बनाने की बात कही थी, बाबा साहब ने 18 मार्च 1954 में आगरा में जो संबोधन संबोधन आगरा में जो प्रजा को संबोधित किया था, उसमें वो बात कहते हैं कि संघ में आ जाओ। वो कहते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हो, इंटेलेक्चुअल क्लास इज इन्फ्लुएंशियल क्लास, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रभावशाली है, इसीलिए उसने लीड करना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि पढ़े लिखे लोगों, क्लार्कों की भीड़ है, इन लोगों ने मेरी मूवमेंट को। तो ऐसे ही समन संघ में आज के जितने भी पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो बाबा साहब, बुद्ध की, सम्राट अशोक की, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई, पेरियार की, छत्रपति शाहू महाराज की, इस समन संघ की आइडियोलॉजी को हमने जाना है और हमने लिया है। हमसे समन संघ में इकट्ठा होंगे, खुद को हम मर्ज कर देंगे, जैसे नदियां समंदर में समा जाती है, उसी तरीके से हम व्यक्ति को संघ में समाविष्ट कर लेंगे। तो व्यक्ति का कोई वहां पर नहीं होगा, व्यक्ति होगा, अकेला निर्णय नहीं ले सकता, वो कलेक्टिव डिसीजन लेगा, वो संघ का आदेश मानेगा और उसका कड़ाई से पालन करेगा, वो सही मायने में समन संघी बनेगा, तो ज्योति का शिष्य वो बन सकता है। ज्योतिराव फूले हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, उनकी विचारधारा को अगर आपको समन संघ की फिलॉसफी को, समन संघ की आइडियोलॉजी को, समन संघ जो प्रैक्टिकल कर रहा है सोचना हो, आप पर आइए जुड़िए। खासकर नए लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ज्योतिबा फूले को अलग तरीके आप समझने की कोशिश करो। बाबा साहब के जमाने में फूले वो कहते हैं कि मैं केवल बुद्ध धम्म की दीक्षा लेना चाहता हूँ, उस वक्त आंदोलन में उतनी फिलॉसफी और उतना प्रचार प्रसार बुद्ध की आइडियोलॉजी का नहीं हुआ था, क्योंकि तो ज्योतिराव 1870 में गुलामगिरी लिखी और 1869 में पॉलिटिक्स सोसाइटी की स्थापना हो गई। तो वहां पर मिसेस राइस डेविड्स और मिसेस राइस डेविड्स ने उधर इंग्लैंड में उस वहां की स्थापना की गई, और बहुत सारे अंग्रेज है उनको पाली की शिक्षा, पाली का शिक्षण, संस्कृत का शिक्षण करते हुए बुद्ध धम्म के ऊपर बहुत सारी किताबें
1873 के बाद लिखी गई, तो उन किताबों को पढ़ने का मौका ज्योतिराव फूले को नहीं मिला, वरना ज्योतिराव फूले भी जो बाबा साहब ने किया कहा ऐसा लगता है कि उनके जीते जी भी कर सकते थे। इतनी प्रगल्भ बुद्धिमत्ता ज्योतिराव फूले की थी, इसीलिए ज्योतिबा फूले को केवल एक समेट ना करो। राज्य ने ज्योतिराव फूले के जन्मदिन के उपलक्ष में आज की शासकीय छुट्टी घोषित की गई है, वो वहां का जो सीएम है वो माली है, उसने उसको पता चल गया कि अगर मैं ज्योतिराव फूले की उंगली अगर नहीं पकड़ तो मुझे कांग्रेस भी निकालने की पिछले 6 महीने पहले कोशिश की थी। जब पता चला कि अंग्रेज कांग्रेस डाल सकती है तो ये किसी का आंदोलन। दूसरी बात ये हो गई, शेड्यूल कास्ट नॉर्थ इंडिया के जितने भी आंदोलन है, अभी हमने हफ्ते भर पहले कि करीब 4 लाख लोग राजस्थान में इकट्ठा हो गए थे और लीडर लोगों को नीचे उतारा, तो ये सारी बातों का परिणाम हुआ। वहां तेजी से जागरूक हो रहा है, इसका परिणाम ये हुआ कि जब जब भी जन समाज होता है जागरूक होता है तो हमारे जितने भी हमारे महान पुरखे समन संगी है, जितने हमारे गुरु है, उनको न्याय मिलता है। इसीलिए हम अगर सही मायने में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया है, जो रूल ऑफ लॉ जो दिया है बाबा साहब ने, उस रूल ऑफ लॉ को सही मायने में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो एसटी ओबीसी के सारे लोगों को गंभीरता से सोचना होगा, इकट्ठा आना होगा। अगर आप सही मायने में इकट्ठा आ जाते हो तो जो सत्ता है रेगुलेशन है वो डर जाती है, क्योंकि जो अन्याय करता है वो बहुत डर, और जो न्याय देता है उसको डर नहीं रहता कि उसने मृत्यु के ऊपर विजय घोषित की होती है। फूले के जीवन का भी ऐसा एक उदाहरण है, जब ज्योतिबा फूले ने सामाजिक सुधार का आंदोलन चलाया, धार्मिक सुधार का आंदोलन चलाया, आर्थिक सुधार का आंदोलन चलाया, अंग्रेजों से लड़कर अधिकार मिलाने का आंदोलन जो चलाया, वहां के मनुवादी फूले के ऊपर आज के एक व्यक्ति को मारने के लिए तलवार लेकर भेजा, उसने बता दिया है कि ज्योतिराव फूले घर में है क्या, तो कहते थे किताब रहे थे वो कुछ, तो बोलते ज्योतिराव फूले कि मुझे आपको इस तलवार से मारना है, घबरा जाएंगे, मेरे हाथ पैर पड़ेंगे, बोलेंगे कि मत मुझे मत मारो, तो ज्योतिराव फूले कहते हैं कि देर किस बात की, मार डालो, काट डालो इस तलवार से, लेकिन इस मारने से पहले मेरी सिर्फ एक बात सुनो कि आप क्यों मेरे मुझे मारने को आए हो, तो कहते हैं कि मेरी रोजी रोटी का मुझे पैसा दिया गया और आपको मारने के लिए मुझे न्योता दिया गया, इसीलिए मैं आया हूँ। तो उन्होंने फिर वो शिक्षा का पाठ उसको पढ़ाया, उसको करीब 10-15-20 मिनट जो समझाया, वो समझाने के बाद वो जो व्यक्ति ज्योतिराव फूले की जैसा कि अंगुली मान ले हथियार तलवार के सामने, ऐसी ही घटना ज्योतिराव फूले के सामने हो गई। इतना मानसिक करेज ज्योतिराव फूले का था, आदमी ऐसा नहीं करता, अगर कोई हथियार लेकर आपके सामने आ जाए और आप उसको कहते हो कि मारो मुझे, वो इंसान वही होता है जिसको मृत्यु का डर नहीं होता। पाली में एक अमतंग पदंग, अमतंग मच्छुनो पदंग, अमच्छुनो पदंग, जो जो मृत व्यक्ति होता है वो हमेशा जन्मता है, लेता है, दुख में ही जन्म लेता है, लेकिन जो अर्हत होता है उसको अमत यानी अमृत कहा गया है। अमृत ये शब्द है जो मराठी में और कई भाषाओं में जो आया हुआ है, पाली का अपभ्रंश है, अमत यानी अमृत, अमृत यानी जो मरता नहीं है, और मरता नहीं यानी जो पैदा नहीं होता। ऐसा कौन सा इंसान होता है, तो वो अर्हत होता है, क्योंकि अर्हत होने के बाद या बुद्ध होने के बाद इंसान जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, वो अमृत हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि विष के ऊपर इलाज क्या है, तो अमृत, अमृत कोई कुछ नहीं, अमृत निर्वाण को कहा गया है, निब्बान को कहा गया है। तो आपको विष से अगर परे रहना है, विष से बचाना है, विष के ऊपर विजय घोषित करना है, सामाजिक जो बुराई है उसको खत्म करना है, तो आपको अमतंग पदंग ये अमृत का पद, निर्वाण का पद प्राप्त करना है। तो इतने शक्तिशाली विचारों के धनी ज्योतिराव फूले के सामने उस इंसान ने तलवार डाल दी और वो आजीवन उसका संरक्षक करके रहा, वो सिक्योरिटी गार्ड करके रहा। तो ऐसी ताकत वाले, वैचारिक ताकत वाले हमारे गुरु की, हमारे समन संगी की आज जन्म जयंती है, तो इसको कौन नमन नहीं करेगा। तो चलो हम सभी ज्योतिराव फूले को, सारे हम समन संगी उनको
भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके प्रति साधुवाद व्यक्त करते हैं और उनकी शिक्षाओं की बार बार हम उसको बार बार दोहराने की कोशिश करेंगे, ताकि हम आने वाले जनरेशन को कहेंगे कि हमारे जितने भी नेक ईमानदार और महान संबंध संगीत है वो किसी के सामने झुके नहीं है। सच्चा लेते हैं तो किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके मन से मृत्यु का डर निकल, और जिसको मौत का डर नहीं उसको कोई कर नहीं देना पड़ता, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता उसको, वो अपना सीना तान कर खुले होकर सामने आकर काम करता है। यही काम समझ सभी भाई बहनों को करना है, इसीलिए हमको इकट्ठा होने की कोशिश करना है। मैं जो बात मुझे समझ में आ गई है, मैंने कोशिश करनी चाहिए कि ये अमृत पद जो है, अमृत का पद, अमृत का मार्ग जो मुझे मिला है, जो धम्म है, धम्म पद यानी जो मार्ग मैंने पाया है, मैं कब जल्दी से जल्दी मैं अपने समन संगी साथियों को कितने जल्द से जल्द बताऊं, इसके लिए हमने आतुर होना चाहिए। यही बात चाहता हूं। और की संगीति जो मुंबई की है, ये ज्योतिराव फूले की, सावित्रीबाई फूले की विचारों की जीत है, इसीलिए ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी इवेंट मुंबई में महिलाओं ने किया है। इसीलिए सभी महिलाओं को और सभी भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जय भीम करता हूँ। मुझसे गलती होती है तो संघ मुझे माफ करे, संघो खलितो तो संघो खमतु तम्मम, संघ माफ करे, क्योंकि संघ है तीन रत्न है, उसमें से संघ एक रत्न है, वो रत्न जो है उस रत्न से हरदम हरेक का कल्याण ही होता है। ऐसा कल्याण वाला संघ, उसकी राह हमने पकड़ ली है, इसको हम मरते दम तक छोड़ है। फूले को नमामि, संघ को नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु।